1939 की है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को चिट्ठी लिखकर हमेशा के लिए भारत आने का न्योता भेजा। फिलॉसफी के ये प्रोफेसर वहाँ पूर्वी दुनिया के धर्म और नैतिकता के पाठ पढ़ाया करते थे। प्रोफेसर ने भी खुशी खुशी न्योता स्वीकार किया और ऑक्सफोर्ड की नौकरी छोड़कर भारत आ गए। ये प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु में एक स्थानीय जमींदार के लिए ज़मीनों की पैमाइश करने वाले सर्वपल्ली वीरस्वामी का बेटा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। पंडित मदन मोहन ने उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU का वाइस चांसलर बना दिया। 20 साल की उम्र से फिलॉसफी पढ़ा रहे डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए यह टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद से ये प्रोफेसर राजनीति और कूटनीति के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। दस्तक इतनी तेज कि डॉक्टर राधाकृष्णन आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी बने। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। यह वो समय था जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया दो ध्रुवों में बंट चुकी थी। पूंजीवादी पश्चिम देश थे तो दूसरी तरफ विशाल सोवियत संघ की अगुवाई में कम्युनिस्ट और ऐसे देश जो किसी न किसी रूप में सोवियत संघ के करीब थे। इधर 1949 आते आते देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्षता के बारे में सोचने लगे थे। उनका मानना था कि भारत जैसे नए नवेले देशों को बड़ी ताकतों की इस लड़ाई से दूर ही रहना चाहिए। इधर संविधान बनकर करीब करीब तैयार था तभी नेहरू ने डॉक्टर राधाकृष्णन से मुलाकात की और उनसे संविधान सभा छोड़ने को कहा। दरअसल नेहरू राधाकृष्णन को सोवियत संघ में भारत का राजदूत बनाने का फैसला कर चुके थे। 12 जुलाई 1949 को राधाकृष्णन ने काम संभाला। सभी सोचने लगे कि सोवियत संघ जैसे कम्युनिस्ट तानाशाही में फिलॉसफी के शिक्षक को क्यों भेजा गया। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी सादगी और ज्ञान के कारण छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। इसका अंदाजा 1921 की घटना से लगाया जा सकता है कि जब वे मैसूर यूनिवर्सिटी छोड़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी जा रहे थे तो छात्र काफ़ी भावुक हो गए। छात्रों ने उन्हें शानदार विदाई देने की योजना बनाई। छात्रों ने एक बग्घी की व्यवस्था की और उसे फूलों से सजाया। विदाई समारोह के बाद जब राधाकृष्णन सभागार से बाहर निकले तो फूलों से सजी यह बग्घी बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बग्घी को खींचने के लिए घोड़े नहीं थे। राधाकृष्णन आश्चर्यचकित थे। अचानक कुछ छात्र आगे आए और अपने हाथों से बग्घी खींचने लगे। छात्रों ने अपने प्रिय शिक्षक को इसी सवारी से मैसूर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया। राष्ट्रपति राधाकृष्णन जब राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करते थे तो बड़ी सादगी से शांत प्रतिक्रिया देते थे। जब कभी कोई सदस्य किसी मुद्दे पर गुस्सा हो जाते थे तो वो उनको श्लोक सुनाकर समझाते और शांत करते थे। उनकी इस खूबी को काफ़ी पसंद किया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।